हेलो स्टूडेंट, आज हम डील करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। मतलब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, अगला नया टॉपिक है हमारा, ठीक है। देखिए, विद्युत क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं ई से, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो आप दोनों में ध्यान रखिए, क्योंकि आगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। सो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी आवेश है और अगर वो स्थिर है, विराम अवस्था में है, तो वो अपने चारों ओर जो फील्ड बनाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जो क्षेत्र बनाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी मान लीजिए कोई भी आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या बनता है, क्षेत्र बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको कि कैसे सर क्या है क्या नहीं है। तो पहले इसके बारे में लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत देख लीजिए आप डेफिनेशन। किसी आवेश के स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को, अन्य आवेश का मतलब परीक्षण आवेश की बात करेंगे यहां पर, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे, वह आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पॉजिटिव आवेश है, यानी कि धनावेश है। ठीक है, ये धनावेश है मान लीजिए अपना, और ये एक पॉइंट पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे, ये क्यू आवेश, इसको हम बोलेंगे धनावेश। ध्यान रखिए, एक दूसरा आवेश रखा हुआ है परीक्षण आवेश, इसको हम लिखते हैं क्यू नोड से, और ये है हमारा परीक्षण आवेश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ध्यान रखिए, टेस्ट चार्ज, समझ गए। अब एक आवेश क्यों है, दूसरा उसके पास में रख दिया हमने परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। होता क्या है, देखिए समझिए इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। जब इस आवेश के पास में इस आवेश को रखा, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा, और बल की दिशा क्या होगी, इस ओर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमने अब पहले हमने पढ़ा था, समझ इस चीज को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लेते हैं भाई। आवेश पे बल लग रहा है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस आवेश पे बल लगेगा, तो देखिए बल किस डायरेक्शन में लगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई एक अन्य आवेश यहां रखा होता, तो इस पे बल किस डायरेक्शन में लगता, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, अगर यहां रखा होता तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर यहां रखा होता तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहां रखा होगा तो बल इस डायरेक्शन में लगेगा, यह आपको ध्यान में रखना है भाई। देखिए समझते हैं इसको भाई, यहां पे कोई आवेश रखा है तो इस डायरेक्शन में लग गया बल, वो तो हमने पढ़ा ही है, कूलम्ब के नियम में पढ़ा है, हमने देखा है कि क्या होता है जब भी दो समान आवेश, प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखे होते हैं, तो उनमें एक प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो एक काल्पनिक होता है, हम इसको कंसिडर करते हैं आगे, समझिए पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना खुद का कोई फील्ड होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये किसी अन्य आवेश पे कोई बल या खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, सिर्फ यही इसको इफेक्ट कर सकता है, ये नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो अब समझते हैं इसको आगे।
तो ये हमने देखा कि इन आवेशों पे इस तरह से बल लगा। तो स्टूडेंट आपको एक चीज समझनी है, देखिए आवेशों बल इस दिशा में लग रहा है ऐसे, इस आवेश के कारण लग रहा है इन सभी पे जो भी आवेश है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट अगर ये आवेश यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने इसको एक तरह से कवर कर लिया, ठीक है, तो अब ये आवेश यहाँ रखा हुआ तो इस पर तो बल तो दो भी लगेगा, ये तो है नहीं, इसका इफेक्ट तो रहेगा ना। तो इसके इफेक्ट के कारण इसके चारों, इस आवेश के चारों ओर क्या है, इसका कोई क्षेत्र बना हुआ है, फील्ड बना हुआ है, जिसके कारण ये आवेश क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस आवेश का क्या है, चारों एक फील्ड है, और उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान रखिए इस आवेश का चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस कारण जब भी यह आवेश इस विद्युत क्षेत्र में होता है तो इस पर एक बल लगता है, जबकि दोनों आवेश कैसे हैं, प्रकृति में समान है, तो आवेशों पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा, ठीक है, यानी प्रतिकर्षण होगा। अब देखिए समझने के लिए अपने, इस तरह से मान लीजिए आवेश का क्षेत्र है चारों ओर, तो इस पर जैसे भी कोई आवेश आएगा तो वो प्रतिकर्षित होगा, समझ गए। तो वही ये पूरा क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए डेफिनेशन समझे, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर, अन्य आवेश यानी परीक्षण आवेश, इसको इसके क्षेत्र में लाएंगे तो ये आवेश क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा इसके क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इस आवेश का क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इतना क्लियर। चलिए अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, इन केस ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो इस अवस्था में अगर यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश होता तो इस पे जो बल लगता वो लगता इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ होता तो इस डायरेक्शन में, यहाँ होता तो इस डायरेक्शन में, यहाँ होता तो इस डायरेक्शन में, समझ में आया। तो यहाँ क्या समझ रहे हैं हम, देखिए नेगेटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश में देखें तो समझना क्या है, देखो नेगेटिव क्या करेगा, खींचेगा ना, आकर्षण लगाएगा, आकर्षित बल करेगा, ठीक है, तो आकर्षण अंदर की ओर, यहाँ होता तो भी ये क्या आता, अंदर की ओर ही आता, ठीक है। तो समझना क्या है आपको, पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है बाहर की ओर, बाहर की ओर निकलता हुआ, जबकि नेगेटिव के कारण अंदर की ओर, उसकी ओर होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं, समझते इसको, आपने डेफिनेशन लिख ली, अब देखिए समझते क्या बोला गया, आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश पर लाने पर वह बल का अनुभव करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस आवेश के चारों का क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र को हमने लिया ई से, तो ई बराबर क्या होता है, इस आवेश पे बल क्या लग रहा है, एफ, और कौन से आवेश पे लग रहा है, क्यू नोड पे, तो एफ अपॉन क्यू नोड, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब मात्र क्या होता है इसका, देखो मात्र यहां से बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन का कोई डिनोट करते हैं एन से, क्यू नोड, आवेश का क्या होता है, कूलम्ब, यानी कि सी, ठीक, तो यानी न्यूटन अपॉन कूलम्ब, मात्र क्या हो गया, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। अच्छा बच्चों वीमा क्या होती है, वीमा भी देख लेते हैं अपन इसकी एक बार फटाफट से। हाँ एक और चीज, जो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, किसी राशि है, सदिश राशि, यानी कि इसका परिमाण भी होगा साथ साथ इसकी दिशा भी होगी, ठीक है। तो बीमा क्या होगी, न्यूटन की, तो यानी बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टी, एम एल टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस टू, और क्यू यानी कि आवेश का बीमा क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है एटी। जब इसको देखेंगे तो ओवरऑल बीमा क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन, ये आपकी बीमा आ चुकी है, ठीक है, एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन, ये इसकी बीमा आ गई है, ठीक, क्लियर मेरे सर, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब समझते हैं इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहता है विद्युत क्षेत्र, एक थोड़ा प्रॉपर मैंने देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए इसमें। देखिए स्टूडेंट मान लीजिए ये एक आवेश है, ठीक है, प्लस की आवेश मान लिया हमने, और इसके चारों ओर एक क्षेत्र है,
कोई भी इसके चारों ओर का अपना एक एरिया बढ़ा हुआ है, इसके चारों ओर का कुछ 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 ना तो इन्फ्लुएंस तो रहेगा रहेगा ना। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेके आया यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर इस पर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि ये इसके क्षेत्र, ये सब इसके क्षेत्र के बाहर है। जब इसको अंदर लेके आया यहाँ पर तो भी कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर भी कोई ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो इस पर बल लगाए। यहाँ लाया तो कोई बल नहीं लगेगा आगे, लेकिन जैसे मैं इस आवेश को यहाँ लाऊंगा तो ये आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और इस तरफ जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा इस पर, दूर भागने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, बल अनुभव किया। कहां पर, यहां पर। हम क्या समझ सकते हैं कि यहां पर इस आवेश का क्या क्षेत्र है जिसके कारण इस पर बल लगा है, इस आवेश पर यहां लाने पर। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। स्टूडेंट आते हैं अगला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सिंपल सा, क्षेत्र की तीव्रता इसी से समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन पहले डेफिनेशन तो लिख लें। आप नोट करते रहिए फटाफट से ताकि आपके लिए इजी रहे। देखिए इसको भी इसी तरह करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखिए, और वो भी इसे रिप्रेजेंट होती है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, देखिए फिर तक आप समझ जाओगे जिसे। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण ही, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले, परीक्षण आवेश या आवेश कुछ मान लीजिए, यहां पर आवेश लिखते हैं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, आवेश या परीक्षण आवेश कुछ भी लिए, पर लगने वाले बल का परिमाण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तीव्रता का मतलब क्या है, जैसे ये आवेश है, समझिए इसको समझते हैं भाई, ये आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र मान लिया हमने, इसको नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब ये जो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना प्रबल है, ये क्या होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे मापते हैं देखिए समझते हैं। मान लीजिए क्यू नोड आवेश हम लेके आए, यहां पर लाए पहले कोई बल नहीं लगा, और मुंह करवाया यहां पर लाया इस पर भी कोई बल नहीं लगा, लेकिन जैसे मैं यहां लाया देखिए हल्का सा अंदर ले गया हूं तो ये आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा यानी रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, तो ऑब्वियसली इस पर एक बल लगेगा लेकिन हल्का सा लगेगा, क्यों, हमने जस्ट एंटर करवाया है इसके क्षेत्र में, ठीक है। यहां पर स्ट्रेंथ नॉर्मल है, ठीक ठाक कम है बिल्कुल ही मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आवेश को थोड़ा और अंदर लाया यहां पर, जैसे ही यहां लाऊंगा तो अब देखो पास पास हो गए, तो ये आवेश क्या करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स से यानी कि प्रबल बल से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस आवेश को। अब समझो यानी कि इस आवेश पर इसके आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण लग क्या रहा है, एक बल लग रहा है, और उस बल का परिमाण ही क्या बताएगा, उसकी तीव्रता बताएगा। समझिए फिर से, जब आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूं तो पहले बाउंड्री पास में लाया, बाउंड्री के पास तो कुछ बल लगा मान लीजिए, और अंदर लेके गया तो थोड़ा ज्यादा बल लगेगा ना, और अंदर लेके जाऊंगा तो और ज्यादा बल लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम पास में जा रहे हैं आवेश के,
वैसे वैसे बल की तीव्रता बढ़ रही है और वही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी बल कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, वही उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी, तीव्रता होती है। तो अगेन फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इक्वल सॉरी ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोड। यहाँ से एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू नोड इंटू ई, ये भी फॉर्मूला बनता है फोर्स का। दो फॉर्मूले का रखना, यूनिट अगेन मात्रक, वही सेम न्यूटन अपॉन कूलाम। बीमा क्या होगी, वही पिछली बार वाली एम एल टी माइनस टू ए माइनस, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वह है विद्युत द्विध्रुव। देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या कहता है फटाफट से, सॉरी विद्युत द्विध्रुव से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो देखते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई चार्ज है पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमने कंसिडर किया ये क्या है हमारा चार्ज है, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर मैंने क्या रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ये क्या है परीक्षण आवेश, ये हमने माना है स्टूडेंट ध्यान रखना, होता नहीं है सब कुछ भी फिफ्टी डीएस होता है, इमेजिनरी होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली कितनी आर, तो मुझे इस चार्ज के कारण इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इससे पहले निकालने से पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, यानी कि ध्यान रखिए एक टॉपिक यहाँ पर छोटा सा देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे वो देखिए। पॉजिटिव आवेश के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव आवेश के लिए देखेंगे पहले, फिर नेगेटिव पे जाएंगे। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव आवेश है, क्यों, इस पॉइंट पे एक अन्य आवेश रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना इस पर जो बल लगेगा ना इस आवेश पे, इसके कारण क्या होगा, दूर की ओर बल ये लग गया इस दिशा में। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, उससे दूर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी स्टूडेंट, और बल की दिशा में यानी कि बल की दिशा में ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर प्लस आवेश है उसके कारण आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख रहे हो तो वो हमेशा होगी उससे दूर। अब आइए इस कंसेप्ट को यहाँ पर, तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस ओर, ठीक है ना। देखिए जबकि यहां पर देख लेते हैं दूसरे नोड, नेगेटिव आवेश के लिए तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नेगेटिव, क्यों, और यहां पर कोई इस पॉइंट पे निकालना मान लो हमारे को, तो यह क्या होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी। तो ध्यान रखिए नेगेटिव के कारण तो क्या होगी, आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, जबकि प्लस आवेश के कारण क्या होती है, उससे दूर होती है। ये आपको ध्यान रखना, देखो इस प्लस आवेश के कारण इस पॉइंट पे निकालना हो तो वो दूर, जबकि इस आवेश के कारण इस पॉइंट पे निकालना तो वो इसकी ओर, ठीक है। तो हमने देख लिया प्लस आवेश के कारण इससे दूर होगी डिस्टेंस आप, तो सबसे पहले देखिए क्यू व क्यू नोड आवेश में बल, और कूलाम के नियम से बल क्या होगा, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर। पहली इक्वेशन दोनों आवेश क्यू वन और क्यू टू, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है आर है, ये फॉर्मूला। अब अगला
क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और वो क्या होगा, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट। भाई इस पे बल लगा रहा है, ये वाला आवेश तो उसकी दिशा F की दिशा ही होगी ना, तो वो क्या होगा, ये समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से। तो देखिए इस F की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो E इक्वल टू क्या हो गया, K Q Q नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये क्यू नोड है तो क्यू नोड से क्यू नोड कैंसिल, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं दरवाजे को, आप नोट कर लेना इनको। तो क्या हो जाएगा जब इसको मैंने किया इस तरह से स्टूडेंट सॉल्व, तो देखिए यहां पर क्यू नोड से क्यू नोड कट गया तो E इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल ये तो हट गया ना। तो यहां पर E और R में संबंध क्या होगा, अगर R आपका बढ़ेगा, देखिए क्या हो गया, E और R में संबंध 1 अपॉन R स्क्वायर के रूप में हो गया, मतलब अगर R बढ़ गया तो E की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, सिंपल है। अगर इस आवेश से ये आवेश दूर चल जाएगा तो विद्युत क्षेत्र यानी इसका क्षेत्र का मान इस पर तो घट जाएगा ना, मतलब इसके क्षेत्र का जो इन्फ्लुएंस है इस पर प्रभाव वो कम होगा, ये दिखा रहा है ग्राफ। क्या बढ़ेगा E और R में, ये आपका R दूरी जिसको हम बोलेंगे, और ये आपका E कैसा बनेगा, इसका मतलब देखो जैसे दूरी बढ़ रही है E की वैल्यू घट रही है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, सिंपल, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट इनको, इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा।